हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ सुलेखा द्विवेदी एंड नाउ वी आर लर्न सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर क्लास 4 चैप्टर 3। चैप्टर नेम इज वर्किंग ऑन विंडोज 7। सो लेट्स स्टार्ट। वर्किंग ऑन विंडोज 7 दैट मीन विंडोज 7 पर कैसे वर्क किया जाता है। तो यू नो दैट द प्रोग्राम दैट रन ऑन कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस डू डिफरेंट थिंग ऑन द कंप्यूटर। इट आल्सो कंट्रोल द हार्डवेयर। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की सहायता से हम कंप्यूटर में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं जिसको क्या हार्डवेयर कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ टू मेन टाइप। सॉफ्टवेयर के दो मेन टाइप होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द प्रोग्राम्स दैट लेट अस डू डिफरेंट टास्क ऑन द कंप्यूटर, ड्रॉ, टाइप, डू सम, लिसन टू म्यूजिक एंड सो ऑन आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेंट, नोट पैड एंड वर्ड पैड आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम जानते हैं जो प्रोग्राम क्या क्या जिसमें जैसे कि ड्रॉ, टाइप, सम सॉल्व करना, म्यूज़िक सुनना, इस प्रकार के सभी काम हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। पेंट, नोट पैड एंड वर्ड पैड ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। द सॉफ्टवेयर नीडेड टू रन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर नीडेड टू रन कंप्यूटर, जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कंप्यूटर के सिस्टम को रन कराने में ज़रूरत होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इट इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म होता है OS। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रनिंग ऑन इट। इट हेल्प देम वर्क टुगेदर। इट आल्सो मैनेज अवर फाइल्स एंड लेट अस यूज डिफरेंट प्रोग्राम एट द सेम टाइम। विंडो, मैक, OS एंड लाइनक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अब क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हार्डवेयर ही मैनेज करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन इट, जिसमें कि एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होते हैं। इट हेल्प द वर्क टुगेदर, ये साथ साथ वर्क करते हैं। इट आल्सो मैनेजेज अवर फाइल, ये हमारे फाइल को मैनेज करते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम को भी, जैसे हम एक ही बार में कई वर्क कर रहे हैं तो ये उसे मैनेज करते हैं। इसके एग्जांपल देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के, विंडोज, मैक, OS एंड लाइनक्स ये सभी हैं। अब कहाँ थे हम लोग, द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए विंडोज 7 में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज 7 इज़ अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट यूजेस बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन कॉल्ड विंडो विच शो मैसेजेस, थिंग्स इन अ फोल्डर, प्रोग्राम्स दैट आर ओपन एंड सो ऑन। इन विंडोज 7 डिफरेंट टास्क आर ग्रुप्ड मेनस टू डू अ टास्क लाइक ओपनिंग अ प्रोग्राम। वी क्लिक ऑन अ मेनू ऑप्शन। वी मे आल्सो स्टार्ट टास्क बाय क्लिकिंग ऑन आइकॉन्स। दिस वे ऑफ वर्किंग मेक द ऑपरेटिंग सिस्टम इजी टू यूज। द स्क्रीन वी गेट ऑन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर विथ विंडोज 7 मे लुक लाइक दिस। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं, कंप्यूटर ओपन करने पे ऐसा ही ओपन होता है। विंडोज 7 जो होगा उसमें सेम ऐसे ही स्क्रीन आप लोग को दिखाई देगा। इसमें ये सारे जो होते हैं ये आइकॉन्स होते हैं, ठीक है, एकदम सेम ऐसे ही विंडोज 7 ओपन होता है। जैसे ये आइकॉन हो गया, ये स्टार्ट बटन हो गया, ये टास्क बार हो गया। द डेस्कटॉप, द मेन स्क्रीन एरिया दैट वी सी आफ्टर विंडोज 7 स्टार्ट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। वी डू ऑल अवर वर्क ऑन द डेस्कटॉप। व्हेन वी ओपन अ फाइल, फोल्डर और
program, it opens on the desktop. When we can put different things like file or folder on the desktop, these appear as icon on the desktop. An icon, as you know, is a small picture representing an item such as a file, folder or program. One of the common icons on the desktop is that of the recycle bin. अब देखिए डेस्कटॉप पे क्या शो करता है. विंडोज 7 में डेस्कटॉप पे क्या क्या शो करता है. वी द मेन स्क्रीन एरिया, जो जब हम स्क्रीन ओपन करते हैं तो जो उसका मेन एरिया होता है उसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं विंडोज 7 में. वी डू ऑल अवर वर्क ऑन द डेस्कटॉप, हम अपना सभी वर्क डेस्कटॉप पर ही करते हैं. व्हेन वी ओपन फाइल फोल्डर और प्रोग्राम, इट ओपन ऑन द डेस्कटॉप, जब कभी भी हम फाइल या कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं या फोल्डर ओपन करते हैं तो ये डेस्कटॉप पे शो करता है. वी कैन पुट डिफरेंट थिंग लाइक फाइल फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, वी कैन पुट डिफरेंट थिंग, हम डिफरेंटिंग मतलब कई प्रकार की चीज़ों को जैसे फाइल फोल्डर कुछ भी डेस्कटॉप पे कर सकते हैं. दीज अपीयर एज आइकॉन, ये सभी हमें आइकॉन की जगह पर डेस्कटॉप में दिखाई देते हैं. एन आइकॉन, एज यू नो, इज़ अ स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंटिंग एन आइटम सच एज अ फाइल फोल्डर आर प्रोग्राम. वन ऑफ द कॉमन आइकॉन ऑफ द डेस्कटॉप इज दैट ऑफ द रिसाइकल बिन, जो आइकॉन होते हैं वह बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं डेस्कटॉप पे, जिसमें से एक मेन है रिसाइकल बिन. अब देखिए मूविंग अ फाइल आर फोल्डर टू द डेस्कटॉप, यू कैन मूव अ फाइल आर फोल्डर दैट यू यूज वेरी ऑफ्टन टू द डेस्कटॉप. लोकेट द फाइल आर फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर एंड ड्रैग इट टू द डेस्कटॉप. एन आइकॉन ऑफ द फाइल आर फोल्डर विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप. टू ओपन द फाइल आर फोल्डर डबल क्लिक इट्स आइकॉन. इफ यू डिलीट द आइकॉन द फाइल आर फोल्डर विल गेट डिलीटेड. मूविंग अ फाइल, ठीक है, डेस्कटॉप, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई फाइल या फोल्डर मूव करना है. यू यूज़ वेरी ऑफ्टन टू द डेस्कटॉप, हम पहले डेस्कटॉप पे जाते हैं उसके बाद फाइल या फोल्डर को खोजते हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर जाते हैं. एन आइकॉन ऑफ द फाइल और फोल्डर, आइकॉन दिखाई देता है फाइल या फोल्डर का. और टू ओपन द, उसे ओपन करते हैं एंड डबल क्लिक करते हैं आइकॉन्स पे. डबल क्लिक जब करते हैं, इफ़ यू डिलीट द आइकॉन, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो द फाइल और फोल्डर विल गेट डिलीटेड. ठीक है, इस तरह से डबल क्लिक, कोई भी आइकॉन या फाइल या फोल्डर ओपन करिए, उस पर डबल क्लिक करिए, डिलीट करना मतलब बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए. ठीक है, अब शॉर्टकट, इंस्टेड ऑफ मूविंग अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप यू कैन प्लेस इट्स शॉर्टकट देयर. अ शॉर्टकट इज़ अ लिंक कनेक्शन टू एन आइटम सच एज अ फाइल फोल्डर और प्रोग्राम. इट अपीयर एज एन आइकॉन विथ एन एरो. डबल क्लिकिंग अ शॉर्टकट ओपन द आइटम. डिलीटिंग अ शॉर्टकट ऑफ एन आइटम फाइल फोल्डर प्रोग्राम डिलीट द शॉर्टकट नॉट द आइटम. टू एड अ शॉर्टकट टू द डेस्कटॉप, अब देखिए क्या करते हैं शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेन डेस्कटॉप पे लाना, डेस्कटॉप पे या फिर कहिए मॉनिटर के मेन स्क्रीन पे. तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लोकेट द फाइल, फाइल को देखते हैं, फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम को देखते हैं, उस पर राइट क्लिक, उसी पर ले जाके राइट क्लिक करते हैं. क्लिक सेंड टू एंड द क्लिक डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट. उसके बाद सेंड पे क्लिक करेंगे, फिर डेस्कटॉप पे करेंगे, इस तरह से वह जो फाइल प्रोग्राम या फोल्डर होगा वो आ जाएगा डेस्कटॉप पे. ये प्रैक्टिकल होता है बेटा, ये सब आप लोग को ना अभी ऐसे समझा दे रहे हैं, स्कूल खुलेगा तो इसका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ शॉर्टकट बाई क्लिकिंग क्रिएट शॉर्टकट इन स्टेप. इट कैन देन बी प्लेस्ड इन एनी लोकेशन. यू कैन ऑल्सो, हम और भी कुछ कर, और क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ शॉर्टकट, एक शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए बाई क्लिकिंग क्रिएट शॉर्टकट.
जब राइट क्लिक करेंगे तो उसमें क्रिएट शॉर्टकट आता है, वही क्लिक कर देंगे जिससे हमें शॉर्टकट का लोकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।